भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही हुए नाम है माओ सचिन चौधरी। हम इस समय हैं टीकमगढ़ में और टीकमगढ़ की सियासत के बड़े किरदार यादवेंद्र सिंह जी हमारे संग हैं और पहली बार संभवतः बुंदेली बौछार पे व्यवस्थित इंटरव्यू के चलाने। दादा बड़ो टीकमगढ़ की राजनीति बड़ो हल्ला वल्ला चल रहा हो चलते ही तथा वैसे तो इन दोनों फिर से चर्चा में हैं। सबसे पहले तो सचिन भैया बुंदेली बौछार जो आप हमारे सामने लेके आए हैं हम आपको धन्यवाद कह रहे हैं कि पहली बार हमें सचिन से रूबरू होने को मौका मिल रहा है। ये लाने हम आपके हृदय से आभारी हैं, बुंदेली बौछार के आभारी हैं। रही बात जाके टीकमगढ़ की, राजनीति हमेशा जो है बड़ी महत्वपूर्ण रही है, लेकिन इस बार जो है टीकमगढ़ की राजनीति कुछ ज़्यादा ही घुमावदार है और जो नए नए किरदारी में शामिल हो गए उनके कारण से जो है या राजनीति जो है मैं उथल पुथल है। आप देख रहे हो कि व्यक्तिगत वैमनस्यता पे कहूँ जो है टीकमगढ़ की राजनीति नहीं चलती। टीकमगढ़ की राजनीति में हमने कई आम सभाएं देखी, नगर पालिका चौराहे पे सभाएं होती और हमारे पिताजी सामने बैठ जाते और उतने आरोप लगाए जाते। उस समय समाजवादी पार्टी बड़ी सक्रिय थी, लक्ष्मीनारायण नायक, गौरी शंकर शुक्ला, मगनलाल गोयल जैसे नेता सक्रिय थे, तो सामने बैठ के आरोप लगाए जाते और इतने से हमारे पिताजी पर्चियन पर लिख के भेजते कि अबे आपने फला घटना को जिक्र नहीं करो, अबे फला घटना को जिक्र नहीं करो। तो और बाद में आके सब जने एक चौराहे पर बैठ के या तो पान खाते या चाय पियते हो अपने अपने घरे चले जाते। तो कहूँ वैमनस्यता नहीं भैया है। चुनाव के दौरान भी ऐसी घटनाएं हुई कि एक बार हमारे पिताजी चुनाव प्रचार से लौट रहे थे, मगनलाल गोयल की गाड़ी ख़राब हो गई तो उन्हें अरे जी तो गोयल जी खड़े रोड पे, गाड़ी उनने रुकवाई, उन्हें गोयल जी चलो हमारे संगे बैठ जाओ। कहने लगे बाद साहब आप तो हमें बना रहे हैं, हम तो आज ही चुनाव हार जाएंगे अगर बैठ जाए। सोने का है कि इनमें तो ये झंडा बैनर तुम्हारे लगे, पहले जी निकलवाओ। दो जन ने मिल के वे झंडा बैनर निकाले, वो संगे बैठ गए, टीकमगढ़ आ गए, भी अपने घर चले गए जी, अपने घर चले गए। तो कभी इतनी मतलब कटुता नहीं रही, कभी इतना जो है वैमनस्यता नहीं रही। और पहली बार जब हम चुनाव जीते तो हम एक गांव में गए, गांव में गए तो लोग आगे ने कही गए थे स्कूल बहुत चाहिए, हमने कहते ही कि इतने काय करवाएं, बगल के गांव में करवाएं जितने हम जीते हैं, तुमने तो हरा दो। हम भाषण दे के आए, दूसरे दिन मंगनलाल गोयल पैदल चल के हमारे घरे आ गए। कहा बेटा लंबी राजनीति नहीं करने का, अगर राजनीति लंबी करने तो अपन को ऐसे भाषण नहीं देने, ऐसे नहीं करने, तुम्हें करने जो करने नहीं करने वो तुम्हारे में है लेकिन बोलने नहीं है। लेकिन दादा जी तरीके से कवि सम्मेलन के बाद भाजपा के भीतर प्रेस कॉन्फ्रेंस भाई, एक कवि को जो है जी में भी ट्रैप जाल में फंसे थे पुरानी, उनने FIR भी कराई थी, उनको वीडियो भी वायरल, इस तरीके की स्थितियां बनी। सवाल जो है कि कवि जो है कवियन के सबसे अच्छे सॉफ्ट टारगेट या तो नेता होते या पुलिस होते। अब अगर कभी नेता और पुलिस से दोस्ती कर ले, जैसे कलगत के गदा अगर घास से यारी कर ले तो फिर खे का, अगर कभी इनको नेता और पुलिस नहीं मिलवे तो बे कविता का की पढ़े, फिर को सुनबे जे और को जो है ऊपर ध्यान दें। तो हमने देखो कई बड़े बड़े मंचन के ऊपर देखो के सामने मुख्यमंत्री बैठे, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री बैठे, उनके सामने भी जो है कभी अपनी बात रखते हैं, लेकिन सब हंस के चले जाओ। तो कविता की बात कहूँ को उन्हें ज्वाइनिंग करी कि उनके खिलाफ़ FIR हो गए या उनकी शिकायत हो गए या उनके खिलाफ कोई वीडियो वायरल करे जाए, तो जा पहली बार परंपरा शुरू हो रही है भाई। अगर आपको हमें मालूम है कि जैसे मान लो उस कवि सम्मेलन मान लो हम पहुंच जाते तो जिनके द्वारा वो आयोजित था या प्रायोजित कार्यक्रम था, हमें मालूम है कि वहाँ पे क्या पढ़ा जाना है, हम इनवाइट कर देते। ये कौन जरूरी है कि हमारे बिना कवि सम्मेलन नहीं हो तो या हमारे बिना जो है वहाँ पर कोई कार्यक्रम नहीं होता है। तो अगर आपको बुरा लगता है तो आपको नहीं जाना चाहिए उस जगह पे, बाकी तो कवियों को जो पढ़ना है पढ़े। हमने कुमार विश्वास को सुनो, कुमार विश्वास कितनी जो है वेलाक बात करत हर कवि सम्मेलन में, और अभी हमने उनको वो भी सुना कि ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो नए नए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो ज्ञान पा रहा है
वो नेहरू जी के बारे में कमेंट कर रहा है, वो गांधी जी के बारे में कमेंट कर रहे हैं। तो मतलब कल्पना तो करो जी, जब जी पैदा नहीं हुए थे जी, अब गांधी जी के दर्शन को चैलेंज कर रहा है और नेहरू जी के दर्शन को चैलेंज कर रहा है। वो कुमार विश्वास जो अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े, उनकी कविताएं। तो कवि जो है, कवि जब मंच पर होता है तो कवि होता है, बाकी राजनीति नचे हो तो की तो उनके ऊपर इतना सीरियस होने की आवश्यकता नहीं है जितनी भारतीय जनता पार्टी के लोग हो रहे हैं। लेकिन भाजपा के भीतर की जो सियासत है, और नगर पालिका चुनाव से एकदम से कई सारी चीज़ें सामने आई, नगर पालिका के चुनाव है, पंचायत के चुनाव है, आपके ऊपर भी कई सारी धाराएं लगी, आपके परिवार के ऊपर लगी, लेकिन नगर पालिका में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी सत्ता अपनी बनाने में कामयाब हो गई, तो जब पूरी की पूरी जो सियासत है वह एक अलग स्तर पर नहीं पहुँच गई? ठीक है, देखो जो हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने जैसे चाहे इंग्लैंड का भाषण हो चाहे कहीं हो, उन्होंने कहा प्रजातांत्रिक मूल्यों का जो है वो हनन हो रहा है। चुनाव एक प्रक्रिया है, चुनाव में जो है कांग्रेस भी जीत सकत, भारतीय जनता पार्टी भी जीत सकत, नगर पालिका टीकमगढ़ भाग से जो है वो कांग्रेस जीत गई। अब अभी मुश्किल से 6 महीना हुई, 6 महीना से नगर पालिका को काम करने नहीं दे रहे, कलेक्टर नोटिस जारी करता है, आपने CMO हटा दिया, CMO के बाद जो है नया CMO नहीं दिया, एक भी जो है टेक्निकल स्टाफ नहीं है, ना SDO था, ना सब इंजीनियर था, ना कोई और टेक्निकल स्टाफ था। ऐसे में कौन तो एस्टिमेट बनाए, कौन जो है उस पर इम्प्लीमेंटेशन करे, दस्तखत कौन करे? आप नगर पालिका को नोटिस दे रहे हैं कि आप ये जो करने की खुली छूट होनी चाहिए, अगर हम बने हैं, अगर हमारी पार्टी के लोग बने हैं तो उन्हें 5 साल के लिए जनता ने चुना है, उन्हें काम करने का मौका मिलना चाहिए। किसी को आप अनावश्यक जो है दबाव देके अगर रोकेंगे तो ये तो सुनिश्चित मान लो कि आप प्रजातंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, चुनी हुई संस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, दूसरे लोगों को काम नहीं करने देना चाहते हैं, इसके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। अब चुनाव भी धीरे धीरे नज़दीक है और विधानसभा को चुनाव है, की तरीके की तैयारी, की तरीके की दावेदारी और कैसे समीकरण आप समझ रहे? ठीक है, देखिए अगर निष्पक्ष चुनाव होंगे, जैसे EBM को खेल नहीं हुई है और निष्पक्ष चुनाव हुए हैं, और साम दाम दंड भेद, जैसे अगर आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस समय धन बल से बहुत मजबूत है, अगर वो धन बल से चुनाव लड़ते हैं तो भले ही असर कर लें, लेकिन जनता की नज़र में इनके कामों की बहुत प्रशंसा नहीं है, इनकी जो है आलोचना ही हो रही है, जनता इनसे असंतुष्ट है और आगामी चुनाव में इन्हें सबक सिखाएगी और कांग्रेस फिर सत्ता में आएगी। आपकी अपनी का तैयारी? देखिए अभी हमारे कमलनाथ जी आए थे अभी 1-1.5 महीने पहले, तो कोई ऐसा मौका नहीं था कि मतलब चुनाव की तैयारी नहीं थी, चुनाव का माहौल नहीं था, लेकिन उसके बावजूद ही हजारों की संख्या में लोग आए और उनने कमलनाथ जी को सुना, कमलनाथ जी भी बड़े प्रसन्न होके गए। तो जिस तरीके से कमलनाथ जी का कंसेप्ट है कि मंडलम सेक्टर बनाए, मंडलम सेक्टर के बाद जो है BLA बनाए, BLA के बाद बूथ पेज प्रभारी भी बनाए, बूथ लेवल के कार्यकर्ता बनाए, वो हमारे विधानसभा क्षेत्र में लगभग कम्प्लीट है। और हम लोग निरंतर जो है गाँव में कभी हाथ जोड़ो कार्यक्रम के बहाने से, कभी पदयात्रा के बहाने से जाते रहते हैं किसी ना किसी तरीके से वहाँ पे, और जनता से निरंतर संपर्क में रहते हैं। कवि को जो है जी में भी ट्रैप जाल में फंसे थे, पुराने ने FIR भी कराई थी, उनको वीडियो भी बार इस तरीके की स्थिति में। सवाल जो है कि कवि जो है, कवि इनके सबसे अच्छे सॉफ्ट टारगेट या तो नेता हो या पुलिस हो। अब अगर कभी नेता और पुलिस से दोस्ती कर ले, जैसे कलर के गदा अगर घास से जारी कर ले तो फिर खेल, अगर कभी इनको नेता और पुलिस नहीं मिल गए तो वे कभी तक आगे पड़े, फिर कोई सुन लीजिए और कोई जो है ध्यान दें। तो हमने देखो कई बड़े बड़े मंचन के ऊपर देखो के सामने मुख्यमंत्री बैठे, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री बैठे, उनके सामने भी जो है कभी अपनी बात रखते, लेकिन सब हंस के चले जाओ कविता की बात कहूँ तो उन्हें जॉनी तरीके उनके खिलाफ FIR हो गया, उनकी शिकायत हो गई या उनके खिलाफ वीडियो वायरल करेगा,
तो जहाँ पहली बार परंपरा शुरू हो रही है भाई, अगर आपको, हमें मालूम है कि जैसे मान लो उस कवि सम्मेलन मान लो हम पहुँच जाते हैं, तो जिनके द्वारा वो आयोजित था या प्रायोजित कार्यक्रम था, हमें मालूम है कि वहाँ पे क्या पढ़ा जाना है, हमें इनवाइट कर देते हैं। कौन जरूरी है कि हमारे बिना कवि सम्मेलन नहीं हो तो, या हमारे बिना जो है वहाँ पे कोई कार्यक्रम नहीं होता है। तो अगर आपको बुरा लगता है तो आपको नहीं जाना चाहिए जगह पर, बाकी तो कवियों को जो पढ़ना है पढ़ें। हमने कुमार विश्वास को सुनो, कुमार विश्वास कितनी जो है बेलाग बात करा हर कवि सम्मेलन में, और अभी हमने उनको वो भी सुना कि ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो नए नए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो ज्ञान पा रहा है वो नेहरू जी के बारे में कमेंट कर रहा है, वो गांधी जी के बारे में कमेंट कर रहा है। तो मतलब कल्पना तो करो कि जब जी पैदा नहीं हुए थे जी, अब गांधी जी के दर्शन को चैलेंज कर रहा है और नेहरू जी के दर्शन को चैलेंज कर रहा है। अब वो कुमार विश्वास जो अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े, उनकी कविताएं, तो कवि जो है, कवि जब मंच पर होता है तो कवि होता है, बाकी राजनीति में क्या होती है तो उनके ऊपर इतना सीरियस होने की आवश्यकता नहीं है जितनी भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन भाजपा के भीतर की जो सियासत है, और नगर पालिका चुनाव से एकदम से कई सारी चीज़ें सामने आई, नगर पालिका के चुनाव है, पंचायत के चुनाव है, आपके ऊपर भी कई सारी धाराएँ लगी, आपके परिवार के ऊपर लगी, लेकिन नगर पालिका में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी सत्ता अपनी बनाने में कामयाब हो गई, तो जब पूरी की पूरी जो सियासत है भाई अलग स्तर पर नहीं पहुँच गई थी। देखो जो हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने जैसे का भाषण हो जाए, उन्होंने कहा प्रजातांत्रिक मूल्यों का जो है वो हनन हो रहा है। चुनाव एक प्रक्रिया है, चुनाव में जो है कांग्रेस भी जीत सकत, भारतीय जनता पार्टी भी जीत सकत, नगर पालिका टीकमगढ़ भाग से जो है वो कांग्रेस जीत गई। अब अभी मुश्किल से 6 महीना हुई, 6 महीना से नगर पालिका को काम करने लगे, कलेक्टर नोटिस जारी करता है, आपने CMO हटा दिया, CMO के बाद जो है नया CMO नहीं दिया, एक भी जो है टेक्निकल स्टाफ नहीं है, ना SDO था, ना सब इंजीनियर था, ना कोई और टेक्निकल स्टाफ था। ऐसे में कौन तो एस्टीमेट बनाए, कौन जो है उसको इम्प्लीमेंटेशन करे, दस्तखत कौन करे। आप नगर पालिका को नोटिस दे रहे कि आप ये जो मुख्यमंत्री अधोसंरचना के जो कार्यक्रम आए उन पर अमल नहीं हो रहा है। अब जैसे तैसे 40-45 दिन पहले एक स्टेबल जो है वो CMO आई थी, कुछ टेक्निकल स्टाफ भी SDO भी आ गई है, एक सब इंजीनियर भी आ गया, अब एस्टिमेट बनना शुरू हुए, सो आपने उसको नोटिस लगा दिए कि साहब कितने पॉइंट पे आप जवाब दो। तो मैं समझता हूँ कि नौकरशाही को एक मर्यादा में रहना चाहिए, नौकरशाही को राजनीति में नहीं पढ़ना चाहिए, और काम करने की खुली छूट होनी चाहिए। अगर हम बने हैं, अगर हमारी पार्टी के लोग बने हैं, तो उन्हें 5 साल के लिए जनता ने चुना है, उन्हें काम करने का मौका मिलना चाहिए। किसी को आप अनावश्यक जो है दबाव देके अगर रोकेंगे तो ये तो सुनिश्चित मान लीजिए आप जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, चुनी हुई संस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, दूसरे लोगों को काम नहीं करने देना चाहते, इसके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। अब चुनाव भी धीरे धीरे नजदीक है और विधानसभा का चुनाव है, किस तरीके की तैयारी, किस तरीके की देखिए, अगर निष्पक्ष चुनाव होंगे, जैसे EVM को फिर नहीं हुई और निष्पक्ष चुनाव होंगे, और साम दाम दंड पर जैसे अगर आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस समय धन बल से बहुत मजबूत, अगर वो धन बल से चुनाव लड़ते हैं तो भले ही असर कर ले, लेकिन जनता की नज़र में इनके कामों की बहुत प्रशंसा रही है, इनकी जो है आलोचना ही हो रही है, जनता इनसे असंतुष्ट है, और आगामी चुनाव में इन्हें सबक सिखाएगी और कांग्रेस कह सकता है। आपकी अपनी बताइए, देखिए अभी हमारे कमलनाथ जी आए थे अभी 1-2 महीने पहले, तो कोई ऐसा मौका नहीं था कि मतलब चुनाव की तैयारी नहीं थी, चुनाव का माहौल नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी हजारों की संख्या में लोग आए और उन्होंने कमलनाथ जी को सुना, कमलनाथ जी भी बड़े प्रसन्न होकर गए। तो
जिस तरीके से कमलनाथ जी का कॉन्सेप्ट है कि मंडलम सेक्टर बनाया, मंडलम सेक्टर के बाद जो है बीएलए बनाया, बीएलए के बाद पेज प्रभारी भी बनाए, बूथ लेवल के कार्यकर्ता बनाए, वो हमारे विधानसभा क्षेत्र में लगभग कम्प्लीट है। और हम लोग निरंतर जो है गाँव में कभी हाथ जोड़ो कार्यक्रम के बहाने से, कभी पदयात्रा के बहाने से जाते रहते हैं किसी न किसी तरीके से वहाँ पर, और जनता से निरंतर संपर्क में रहते हैं। अभी हमारे यहाँ पे एक दुर्घटना हुई थी मवई में, हमें आपको अभी दिखाई वो जो मुख्यमंत्री जी के खुद के अधिकृत पेज से जो है डाली गई थी कि हम उन जो वहाँ पे मृतक हैं और जो घायल हुए हैं उनको हम मदद देंगे, 2-2 लाख रुपए मरने वालों को देंगे और 50-50 हज़ार रुपये घायल हुए थे। कल रात में हम उनके घर गए थे, सबके 5 लोग मरे हैं, 3 घरों उनके पास केवल वो जो अंत्येष्टि सहायता के लिए सरपंच लेवल पर 10-10 हज़ार रुपये मिलते हैं, उसके अलावा आज 20 दिन व्यतीत हो गए, 20 दिन में कोई मदद नहीं पहुँची। तो जब इतने बड़े लेवल के ऊपर जो है झूठ बोला जाए उनको, तरह आज ग्वालियर में इलाज करा रहे हैं, कुछ जो है दिल्ली चले गए इलाज कराने, कुछ भोपाल चले गए, उनके पास उनके घर देखे हमने तो उनके पास तो जो है कल के खाने के लिए नहीं है, वो 5-5 लाख का इलाज कहाँ से कराए। तो उनकी भी व्यवस्था सरकार को करना चाहिए, केवल जो है ट्वीट कर देने से हल नहीं होता। तो गरीबों के अभी जैसे पूरे इलाके में ओले पड़ गए, हमारे क्षेत्र में थोड़ी कम पड़े लेकिन बाकी क्षेत्रों में ज़्यादा ओले पड़ गए। तो सचिन भैया आज तक जो है अभी तक कहीं किसी अधिकारी को सर्वे करने के निर्देश नहीं मिले कि आपको सर्वे करना है कि नहीं करना, और 10 दिन तक ये निर्देश नहीं आएंगे तो फसलें कट जाएंगी, किसान तो बैठा नहीं रहे क्योंकि फिर फोरकास्ट है कि फिर जो है बारिश होगी। तो इससे जो है जब फसलें कट जाएंगी और उसके बाद सर्वे की टीम पहुंच भी जाएगी तो क्या सर्वे कर देंगे, क्या देखेंगे वहाँ पर जाकर। तो जो फसलों का नुकसान हुआ उसका मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए, और फिर हम वो मुआवजा नहीं कह रहे हैं कि जो आपको मतलब खैरात में बांटना है, हमने फसल बीमा करवाया, मतलब जब हमने खाद बीज उठाया तो हमारा फसल बीमा हुआ, हमारा फसल बीमा को पैसा दो, उसमें देने में क्या दिक्कत है। वो तो अगर हम अपना जीवन बीमा कराते हैं और कोई घटना हो जाती है तो हमें जो है बीमा कंपनी क्लेम देती है कि नहीं देती, तो हमने फसल का बीमा भी वैसे ही कराया और उसमें हमने पैसा लगाया, कोई फ्री में नहीं, सरकार की मेहरबानी में नहीं, तो उसका तो हमें सहायता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, वो भी सहायता देना तो क्योंकि अगर सरकार नहीं करेंगे तो बीमा कंपनियां मानेंगे नहीं, वो भी नहीं देंगे। तो इस तरीके से अगर किसानों के साथ छलावा होता रहेगा तो अभी अब जिस अधिकारी से बात करो कि साहब सर्वे क्यों नहीं हो रहा है, तो साहब हमारी ड्यूटी तो लाडली महीना में लगी, हम सर्वे करने जाए हमसे तो ये कहा गया कि आप बिल्कुल किसी भी समय कलेक्टर आ सकते हैं, किसी समय एसडीओ आ सकते हैं, आप वहाँ पे बिल्कुल मुस्तैद रहेंगे, केवल फार्म भरने का काम करो और दूसरा काम नहीं करो। तो ये 15 दिन बाद भी हो सकता था लेकिन केवल जनता को भटकाने का काम हो रहा है, जनता को बढ़ाने का काम हो रहा है, जनता के हित में कोई बहुत पॉजिटिव काम नहीं हो रहा है। एक आखिरी सवाल के टीकमगढ़ जिला और रेवाड़ी जिला अलग अलग भले ही होगा लेकिन जो पार्टियां समीकरण बनाती हैं वे दो ही को लगभग जोड़कर बनाती हैं, बार बार कही जा रही है कि कांग्रेस पार्टी के जो सामाजिक समीकरण हैं वे टिकटों के जो अभी फिलहाल बड़े दावेदार हैं उनमें सेट नहीं हो रहे, तो वो समीकरण कैसे बैठे। देखो पिछले बार भी हम लोगों के जो ब्रजेंद्र सिंह जो सर मौजूद थे, कमलनाथ जी थे, सिंधिया जी भी थे, रात में लगभग 2 बजे बैठक हुई थी, 2 बजे हमने ये कहा था कि साहब जब तक आप समीकरण नहीं सुधारेंगे तब तक जो है चुनाव ठीक नहीं होगा, और हमारी बात से उस समय मोहन प्रकाश जी भी थे, लगभग सभी लोग सहमत हो गए। लेकिन जब सुबह दूसरे दिन लिस्ट निकली तो सभी गण में कोई सुधार नहीं था। फिर जब हम लोग चले आए, ब्रजेंद्र सिंह तो हमसे एक दिन पहले ही चले आए थे, हम एक दिन बाद आए थे, जब हम वहाँ से चले आए तो पता चला कि एक टिकट ने शरद यादव की पार्टी को दे दिया, विक्रम चौधरी, और उसमें वो सागर जिले के थे। तो ऐसा माहौल बिगड़ा उसमें कि लोग बाग बोले कि बताओ आप एक टिकट यहाँ पे यहाँ के लोकल के आदमी को आपने यहाँ बुला पाए, इधर भी समीकरण बिगड़े हुए थे। ऐसे में अगर ऊपर से पार्टी जो है विचार करे तो हम सहमत हैं इस बात से, इस बात विचार होना चाहिए।
यादवंशी मुझे से चर्चा भी चुनावी चर्चा भी क्यों जो चुनाव नज़दीक आए और भी आगे होत रहे, लेकिन फिलहाल टीकमगढ़ की सियासत धीरे धीरे करके चुनाव के समय को लेकर गर्माने लगी। सचिन चौधरी, बुंदेली, पहुंचा। एकलव्य यूनिवर्सिटी दमोह विल गाइड यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। 28 एकर्स ऑफ लस ग्रीन कैंपस, लार्जेस्ट कैंपस ऑफ बुंदेलखंड, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी, 50 फ्यूचर रेडी कोर्सेज थॉट इन 12 डिफरेंट स्कूल, सेपरेट कोर्स एंड ग्राउंड फॉर स्पोर्ट, फुली इक्विप्ड लैब एंड वर्कशॉप, सेफ एंड फुली इक्विप्ड सेपरेट हॉस्टल फॉर गर्ल्स।